गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। भरमौर में आग की भेंट चढ़े दो मकान, ग्रामीणों की मुस्तैदी से बचाए बाकी घर। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में अभी नहीं दुखेंगे श्रद्धालुओं के पांव। पहले सूखे, अब तूफान ने तोड़े बागवानों के सपने, अब सिर्फ सरकार ही आस। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के नारों की गूंज, छात्रों ने रैली निकाल दिया धरती बचाने का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत प्रंघाला के राजौर गांव में शुक्रवार रात दो मकान आग की भेंट चढ़ गए। आग इतनी भयंकर थी कि दोनों परिवारों को भीतर रखे सामान को निकालने तक का मौका नहीं मिला है। आरंभिक तौर पर लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात प्रंघाला पंचायत के प्रधान बबली देवी के मकान समेत एक अन्य घर में आग लगी। मकान से आग की लपटों को देख गांव वासियों समेत आसपास के विभिन्न गांवों के लोग भी मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। इस दौरान स्थानीय लोगों के साहस और मुस्तैदी से बड़ा अग्निकांड होते होते टल गया। चूंकि गांव में अधिकतर मकान लकड़ी के थे, सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। उधर घटना में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंची है और नुकसान का आकलन कर रही है। वहीं पीड़ितों की मदद के लिए स्थानीय युवाओं ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है और पीड़ितों का अकाउंट साझा कर आर्थिक तौर पर सहायता की अपील सोशल मीडिया पर की जा रही है। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ के ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, इसके बाद भी मंदिर आने वाले शिव भक्तों को सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। आजकल शिव मंदिर बैजनाथ में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की भरमार है, ऐसे में उन्हें इस तपती गर्मी में नंगे पांव भोलेनाथ के दर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे तो मंदिर के चारों तरफ ट्रस्ट द्वारा मैट बिछाई गई थी, मगर उसका हाल ये था कि गर्मियों में इतनी गर्म हो जाती थी कि कोई उस पर चल न सके, सर्दियों में इतनी हार्ड हो जाती कि उस पर चलना भी पत्थरों पर चलने जैसा होता था। इस बारे में न जाने कितनी बार ये बात मंदिर ट्रस्टियों के ध्यान में लाई गई, मगर सभी ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लेने का हवाला देते रहे। शिव भक्तों की परेशानी को देखते हुए पूर्व ट्रस्टी घनश्याम अवस्थी के प्रयासों से मंदिर में नई मैट बिछाई गई। उनका कहना था कि जब भी मंदिर आते हैं तो श्रद्धालु नंगे पांव फर्श पर दौड़ते देखे गए। इसी के चलते कई बार ये मामला प्रशासन के समक्ष लाया, मगर किसी ने कोई परवाह नहीं की। अतः निजी प्रयासों से मंदिर के चारों तरफ नई मैट बिछाई गई है। अब किसी भक्त को भरी गर्मी में मंदिर में व परिक्रमा करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्मियों में आजकल श्रद्धालु जो है भारी संख्या में बैजनाथ मंदिर में आ रहे हैं, इसकी वजह से जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके मतलब मैट वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे मंदिर में, और चलने में उनको तकलीफ होती थी, पैर जलते थे, तो इसलिए हमने जो है ये मैट का प्रबंध किया और मैट जो आज से बिछा दी है मंदिर। जो मैट पहले बिछाई गई थी उसमें सर्दियों में वैसे ही पैर छिल जाते थे और गर्मियों में जल जाते थे, ये मैट बिछाई है जो बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छी मैट है और ऐसी होनी चाहिए थी। इसमें पाँव को कोई कष्ट नहीं होता, नहीं तो सर्दियों में और गर्मियों में, सर्दियों में वैसे चुभती है और गर्मियों में वैसे जल जाते थे पैर। पहले सूखे और अब आंधी तूफान से जमीन दोज हुए कुल्लू के बागवानों के सपने अब सरकार की राहत पर टिक गए हैं। पिछले एक सप्ताह में हुई तेज हवाओं से जिला के बागवानों की सेब, नाशपाती सहित प्लम व खुमानी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा घाटी के बागवानों ने प्रदेश सरकार और बागवानी विभाग से मुआवजा मांगा है। जिला के भुलंग क्षेत्र के बागवानों ने बताया कि एक सप्ताह के दौरान हुई आंधी तूफान से उन्हें भारी नुकसान हुआ है और कई स्थानों पर तो पेड़ पूरी तरह से खाली हो गए। नुकसान की स्थिति को जांचने के लिए हालांकि सरकार ने भी बागवानी महकमे को निर्देश जारी किए हैं और विभाग की टीमें भी रिपोर्ट बनाने में जुटी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भुंतर से संदीप काचरू के साथ हीरालाल ठाकुर की रिपोर्ट।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टक्का में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रैली निकालते हुए नारों व स्लोगनों के साथ ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रैली को कार्यकारी प्रधानाचार्य इंदु बाला ने रवाना किया, जो कि टक्का गांव से होते हुए राजकीय प्राथमिक पाठशाला पहुंची और वहां से वापस स्कूल परिसर में ही आकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्रों ने पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सेव वाटर सेव लाइफ इत्यादि के नारे के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। आज एक्चुअली हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया है। तो एक्चुअली लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमने अपने स्कूल की ओर से ये रैली निकाली ताकि घर घर में ये संदेश पहुंचे कि कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडा घाट सोलन। द दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल विद 96 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड अंडर द एजेस ऑफ दिल्ली वर्ल्ड फाउंडेशन इज लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट इन कंडा घाट इन हिमाचल प्रदेश ऑन चाइल्ड रोड इज इजिली रीचेबल फ्रॉम द मेजर सिटीज। The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available, science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure, counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars, with a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health, a wide range of crafts including pottery, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with a provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 9882040097 or 7559640097.